हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीवोट पॉइंट के साथ ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करें। एंड जो ये पीवोट पॉइंट है, सिंपल पीवोट पॉइंट नहीं है, ये सीपीआर बेस्ड पीवोट पॉइंट है। एंड मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पीवोट पॉइंट के बारे में सब पता, पूरी डेफिनेशन पता है, पीवोट पॉइंट कैसे काम करता है ये चीज़ें पता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो सबसे पहले आप गूगल करिए और समझिए कि पीवोट पॉइंट काम कैसे करता है, सीपीआर क्या होता है, देन आप इस पे एल्गो ट्रेडिंग करिए। नहीं तो आप इस वीडियो को देखेंगे बिना समझे पीवोट क्या है और कैसे काम करता है तो आपको ये समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कि यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये सीपीआर बेस्ड पीवोट पॉइंट कस्टमाइज कर रखा है, कस्टमाइज इंडिकेटर बना रखा है ट्रेडिंग व्यू पे। तो इन्होंने उस इंडिकेटर के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है कि वो काम कैसे करता है और आप उससे प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में जानना है तो आप इनकी वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकेंड, इन्होंने जो इंडिकेटर कस्टमाइज कर रखा है वो पेज ये रहा। तो इन्होंने ये पब्लिकली ओपन कर रखा है, कोई भी जाके इसकी एक्सेस ले सकता है। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा होगा ऐड टू फेवरेट, आपको इस पे फेवरेट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होता है कि आपके फेवरेट जो ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल है उसमें फेवरेट पे शो होगा, तो ईजिली आप एक्सेस ले पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूँ। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, आपने फेवरेट में सिलेक्ट कर दिया है, देन आपको ये इंडिकेटर पैनल है, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको फेवरेट पे जाना है। जैसे आप फेवरेट पे जाएंगे आपको फेवरेट में वो इंडिकेटर शो हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर शो हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे मैंने फेवरेट में कर रखे हैं। अगर आप इस इंडिकेटर का नाम जानना चाहते हैं तो मैं नाम बता दूँ, यहाँ पर अभी शो होगा ये रहा, पीवोट पॉइंट सीपीआर विथ मंथली वीकली डेली हाई लो। तो ये सीपीआर बेस्ड इंडिकेटर है। सीपीआर क्या है एक बार आप समझ लीजिएगा। तो आपको उस पर वन टाइम क्लिक करना है, ये आपके चार्ट पे अपलोड हो जाएगा। जैसे आपके चार्ट पे अपलोड हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले से डाल रखा है, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। तो कहने का मतलब आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, मतलब अपने चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इसे कस्टमाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या नीड है। तो मैंने कैसे कस्टमाइज कर रखा है, एज ए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैंने इसकी सेटिंग पे गया, इंडिकेटर की सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टाइल वगैरह दिखेगा। तो इनपुट में ये बाय डिफॉल्ट सब पे चेक मार्क होता है, मतलब ये डेली पीवोट भी दिखा रहा है, वीकली भी दिखा रहा है, मंथली भी दिखा रहा है, प्रीवियस वीकली भी दिखा रहा है, प्रीवियस मंथली भी दिखा रहा है। तो मेरे को इतना सब कुछ नहीं चाहिए था एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने खाली इसके अंदर 100 डेली पीवोट कर दिया एंड ये नीचे के दो ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। ये दो ऑप्शन है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। तो इससे क्या हुआ कि अब ये मेरे को ज़्यादा चीज़ें लाइनें नहीं दिखा रहा, जिससे मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ। प्लस मैंने पीवोट के स्टाइल में जाके लाइनों को अपने अकॉर्डिंग कलर कर दिया एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर था वो थोड़ा सा लाइट था, उसे डार्क कर दिया। तो ये चीज़ें आप कर लेना, देन आपको इस तरीके से आपको पीवोट दिखेगा। अब एज आ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि लाइनें क्या वर्क कर रही हैं। एंड मैं जैसे मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पीवोट पॉइंट के बारे में सब पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है ये R4 है। R4 आप जानते होंगे क्या होती है, डेली R4 है क्योंकि मैंने डेली पीवोट लगाए रखा है। ये R3 है एंड ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, मैंने पूरा ओपन नहीं करा था, अब दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने गलत बताया आपको, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैं इधर गया तो ये देखिए, ये R4 है, ये लाइन जो है ये R3 है, ये R2 है एंड ये R1 है। तो ये हमारे डेली पीवोट पॉइंट के हिसाब से रेजिस्टेंस जो होते हैं R1, R2, R3, R4 वो है। तो आपको हर लाइन की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अभी मैं इसके बारे में भी बता दूंगा कि आइडेंटिटी क्यों पता होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑरेंज लाइन है, ये प्रीवियस डे हाई है, जो प्रीवियस पिछले दिन का जो हाई था वो लाइन है। एंड उसके बाद यहाँ पर तीन लाइन है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर ये तीन लाइन है। तो ये वाइट जो लाइन है ये पीवोट पॉइंट की लाइन है। तो इन सबकी आइडेंटिटी आपको जब आप कलर करोगे, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं थी, मैंने कलर करके आप आइडेंटिटी बना रखी है, आपको भी बनानी पड़ेगी। एंड ये सीपीआर है, ये सीपीआर है, ये भी सीपीआर है, जिसको इन्होंने नाम दे रखा है TC&BC समथिंग नाम दे रखा है। एक बार मैं आपको चेक करा दूं, तो इन्होंने जो नाम दे रखा है ये डेली BC दे रखा है, डेली TC दे रखा है, ये सीपीआर समथिंग है। आप इनकी वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद ये जो वाली लाइन है ये मेरी डेली जो प्रीवियस डे लो है वो वाली लाइन है। तो मैंने इसमें, जैसे मैंने बताया, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई भी अप्लाई कर रखा है।
तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ठीक है जी। तो मुझे सबकी आइडेंटिटी पता थी, तो इसलिए मैं इस पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अब एग्जांपल के लिए आपको पता करनी है तो आप कैसे पता करोगे, आपके माइंड में आ गया भाई मेरे को पता करनी है तो कैसे पता करोगे। तो इसके दो ऑप्शन है, पहला तो आप इसे जब स्टाइल करते हो तो आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो, देन आपको कन्फर्म करना है। जैसे अभी मुझे कन्फर्म करना है, इसमें लिखा पीवट, पीवट लाइन कौन सी है, तो मुझे पता है वाइट, तो मैं कन्फर्म कैसे करूँ, मैं इस पर चेक मार्क हटा दूंगा तो वाइट गैप, इट्स मीन मैं सही था, ये पीवट लाइन है। अगर जैसे मैंने इसे ये वाली लाइन को मैंने R4 बताया, एक बार दिखा देता हूँ, R4 बताया, मेरे को कंफर्म करना है ये R4 है नहीं है, तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा और R4 पे हाइट करूंगा, R4 कहाँ गया, ये रहा आपका R4, इसे हाइट करूंगा तो ऊपर वाला हाइट, इस बिन ये, तो मैंने कलर कर रखा है इसलिए मुझे पता है। तो सबसे पहले आपको लाइनों की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि कौन सी लाइन क्या है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि पिवट पॉइंट पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करें। तो यहाँ पर काम करने के काफ़ी सारे तरीके हैं पिवट पॉइंट पे, जो इन फ्यूचर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो बेसिक तरीका है, जो पॉपुलर तरीका, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एंड मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि ऑर्डर कैसे लगते हैं। तो सपोज मानो जब आप मॉर्निंग में चार्ट ओपन करते हो तो आपको दिखता है कि भाई ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो अभी तो ये CPR लाइन है और जो ये नीचे डेली लो है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी हम ये नहीं देखते कि कौन सी लाइन का क्या मकसद है, हम ओनली फॉर ये देख रहे हैं कि हाँ ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर ये करना पड़ेगा भाई, जैसे इस पर टच हो बाय हो जाए, जैसे इस पर टच हो सेल हो जाए, ये कमांड देनी है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि किस पे टच होने पे आप बाय का कोड डालोगे तो बाय होगा, सेल का कोड डालोगे तो सेल होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अब क्या करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, आपको करना क्या है, आपके पास हमारा बोट होना चाहिए, जैसे आपको पता है हमारा बोट नेक्स्ट लेवल बोट है। देन बोट के साथ आप कमांड कैसे देते हो, आपको इस वॉच के आइकन पे क्लिक करना है, एंड वॉच के आइकन के बाद प्लस पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास कमांड पोर्टल आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी, क्या कंडीशन देना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए येस बैंक है, एंड येस बैंक में आप देख सकते हो कि ये मैं जैसे मैंने आपको बताया था डेली लो है, प्रीवियस डे लो है, तो मैं चाहता हूँ जैसे इस पर टच हो तो मेरे मार्केट में ऑर्डर लग जाए या सेल हो जाए या मेरी पोजीशन क्लोज हो जाए, जो भी चाहता हूँ, जो कोड डालूंगा वो होगा। पर मैं अलर्ट्स कंडीशन कैसे बनाऊँ, तो कंडीशन बनाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जब जैसे ही आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, एंड उसके बाद आप इसको स्लो मोशन में भी देख लेना अगर आपको कुछ समझना है। जैसे आप प्लस पर क्लिक करते हैं, आपको वैल्यू में जाना है, वैल्यू में जाके इंडिकेटर का जो नाम है, इन फ्यूचर हो सकता है नाम भी चेंज हो जाए, अभी जो नाम है CPR/KGC है, आपको ये सेलेक्ट करना है। देन हमें इसकी आइडेंटिटी पता है, लाइन की आइडेंटिटी क्या थी, लाइन की आइडेंटिटी है प्रीवियस डेली लो, प्रीवियस डे लो सॉरी। तो हमें आइडेंटिटी पता है, तो हमने यहां आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लेनी है प्रीवियस डे लो। तो मैं इधर गया एंड मैंने यहाँ पर नीचे करा, एंड यहाँ पर मैंने प्रीवियस डे लो ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पर सेलेक्ट कर दिया। तो ये मेरी कंडीशन ऊपर की बन गई कि जैसे इस पर टच होगा वैसे अलर्ट्स आएगा। तो अब मैं आपको बता दूँ, ये ऑप्शन का ऑप्शन है, और ऑप्शन में क्या काम करता है मैं बता दूं, ओनली वंस का मतलब ये है कि वन टाइम अलर्ट्स आएगा, देन आपका अलर्ट्स भी ऑफ हो जाएगा, आपका बॉट भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा बॉट है वो अलर्ट्स पे काउंट करता है, तो अलर्ट्स ऑफ है तो बॉट भी काम नहीं करेगा। ओनली वंस पर बार का मतलब ये होता है कि बार मतलब होता है कैंडल, जितनी बार कैंडल इस पे टच करेगी, जो भी न्यू कैंडल है जितनी बार इस लाइन पे टच करेगी उतनी बार ऑर्डर लगेंगे, उतनी बार अलर्ट्स आएंगे, तो ये चीज इसलिए काम आती है। एंड वंस पर बार क्लोज का मतलब होता है जो भी कैंडल है जब अपना क्लोजिंग देगी, जैसे एक मिनट की कैंडल है तो एक मिनट में 59 सेकेंड बाद क्लोज होती हो, तो जब वो क्लोजिंग देगी, जब वो अलर्ट्स आए अगर वो बना हुआ है। तो अभी आपके लिए को इसमें क्या करना है, ओनली वन सेलेक्ट करना है, एंड ओनली वन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कोड डालना है, तो मैं कोड डाल देता हूँ। जैसे हमारे एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे एंड हेल्प पे क्लिक करेंगे, जैसे हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सटेंशन की कोडिंग में पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं इसमें अगर डायरेक्ट बाय का कोड डालूंगा तो डायरेक्ट बाय कर लेगा, तो मुझे बाय नहीं करवाने, मेरे को एक एग्जाम्पल दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये कोड उठाया, ये लिमिट ऑर्डर कोड है, एंड मैं उधर गया, मैं पहले इन चीज़ों को बंद कर दूं जिससे ये थोड़ा सा वो ना करे। हाँ, मैं इधर गया एंड मैंने इधर ये कोड डाल दिया। सबसे पहले मेरे को पता ही है येस बैंक है, तो मैं येस बैंक पे ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, तो येस बैंक कर दूंगा। ये चीज़ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर जो भी आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हो उस चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। एंड मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, MCX में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैंने येस बैंक डाल दिया, क्वान्टिटी 1 डाल दी, एंड 1 रुपये मार्केट रेट से नीचे डाल के
क्लिक कर दिया। तो अब यस कर देता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कि दिस अलर्ट्स ट्रिगर डिफरेंट, मतलब मैं मुझे बता रहा है, वार्निंग दे रहा है कि हो सकता है ये रिपेंट हो, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, मुझे पता है रिपेंट नहीं होगा। एंड जैसे ही अब ये लाइन इससे टच होगी तो हमारे को हमारा ऑर्डर दिख जाएगा, कहाँ पर दिखेगा, जरोधा पे दिखेगा, तो यहाँ पर हमें वो ऑर्डर दिखेगा। अभी आई थिंक मैंने तो बॉट को कनेक्ट कर रखा है, एक बार अगर ऑर्डर नहीं आया तो हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, मुझे कंफर्म याद नहीं मैंने बॉट कनेक्ट करा था या नहीं करा था, पर मेरे को आई थिंक लगता है मैंने कनेक्ट कर रखा था। तो ये हमने एक एग्जांपल लगा दिया, पर मार्केट ऊपर की तरफ हो गई। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ऐसे स्क्रिप्ट ढूंढते हैं जिसके अंदर किसी लाइन पे टच होने वाला हो एक मिनट के टाइम फ्रेम में, और फटाफट ऑर्डर डालते हैं। जैसे यस बैंक में ऑर्डर डाल दिया, एंड देख सकते हो अभी कोई ऑर्डर नहीं आया, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। अब हम स्क्रिप्ट ढूंढते हैं, तो मैं वॉच लिस्ट में गया एंड मैंने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक पहले से ऐड कर रखे हैं, तो मैं फटाफट देखता हूं। पहले तो मैं इसे प्राइस वाइज सेट कर लेता हूं, ये एक मिनट प्राइस वाइज सेट हो गए। अब यस बैंक में तो मैंने डाल दिया है, एंड मैं इसे नीचे करते जाऊंगा अपने आप दिखाते जाएगा। जैसे यहां पर देखो ये टच हो रहा है, एंड ये टच किस पे हो रहा है, ये कौन सा है, NTPC स्टॉक है, एंड ये एक रेड लाइन है। कौन सी रेड लाइन है मैं एक बार दिखा दूं, ये रेड लाइन है आपकी S1, तो S1 से टच हो रहा है। मैं चाहूं तो यहां अलर्ट्स डाल सकता हूं, दिखाऊं आपको डाल के, आपको एक आइडिया लग जाएगा। मतलब ये टच हो रहा है तो इट्स मीन हाथों हाथ ऑर्डर भी डल जाएगा, पर अब जब आप मार्केट में डालोगे तो उस टाइम तो टच नहीं हो रहा होगा, तो आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए मैं अलर्ट डाल के दिखा रहा हूँ, मैंने वॉच के आइकन पे क्लिक करा, फटाफट इस पे क्लिक करा, एंड फिर मैं इस पे गया, CPR लिया, मुझे पता है इस लाइन का नाम क्या है, S1 है, मैंने बताया ना आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। फटाफट मैंने यहाँ पर क्या करा, S1 सेलेक्ट करा, ये रहा S1, डेली S1, एंड ओनली वंस करा। यहाँ पर मेरे को कोड डालना है, मैंने कोड डाला, कोड मेरे को फिर से कॉपी करके लाना पड़ेगा, कॉपी करके लाया एंड मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया। तो ये चीज़ आप स्लो मोशन में भी देख लेना, फटाफट मैंने स्टॉक का नाम डाला जिसमें मैं एक अलर्ट्स लगाना चाहता हूँ, तो एक वेटिंग में लगाना चाहता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आप कहीं भी लगा सकते हो, और ₹1 नीचे मेरी बिड लगे। तो जैसे मैंने ये क्लिक करा एंड क्रिएट करा, तो देखिए यहाँ पर फटाफट अलर्ट्स आ जाए, सॉरी अब नहीं आएगा क्योंकि कैंडल ऊपर चली गई। तो अभी हम लाइव देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने में मजा आएगा, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए जो हमारी लाइन है वो वाली लाइन ये दी S1 रेड रेड डॉट देख रहे हो, एंड ये कैंडल ऊपर है, जैसे इससे टच होगी वैसे हमारा ऑर्डर आएगा। तो अभी हमें इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि अभी टच हो जाए। तो जो जैसे मैंने पहले ही बोला है आपको कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि पीवोट पॉइंट पे आप काम करना जानते हो, तो जो मैनुअली काम करते हैं भाई इस पीवोट पॉइंट इस पॉइंट पे आए तो बाय करे, इस पॉइंट पे जाए सेल करे, तो ये कर सकते हैं। एंड काफी लोगों की डिमांड है कि वो CPR बेस्ड पिवोट पॉइंट चाहते हैं, तो इसमें CPR ऐड है पहले से ही, मैंने बताया था PC&TC नाम इन्होंने CPR को आइडेंटिटी दे रखी है, तो CPR ऐड है। एंड CPR क्या काम करता है उनकी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, एंड गूगल पे सर्च कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी यहां भी अलर्ट्स नहीं आए, नई कैंडल ओपन हो गई, एंड वीडियो बनने वाली है लंबी, इसलिए मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाता क्योंकि काफी लंबी बन जाती है, एंड लाइव डेमो दिखाना बहुत हार्ड हो जाता है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर सिग्नल नहीं आया, मेरे को फिर से दूसरे वॉच लिस्ट में देखना पड़ेगा। मैं अलर्ट्स लगा रहा हूँ, जहाँ भी आएगा सिग्नल आएगा ऑर्डर लगा हुआ दिख जाएगा। दोबारा से आपको जरोधा का अकाउंट दिखा देता हूँ, 0 ऑर्डर। एंड फिर से हम चलते हैं, अब हम कोई एक और स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर आए, तो NCP थे हम गेल पे गए, हम गेल पे देखते हैं, गेल पे तो कहीं लाइन नहीं दिख रही, इसमें भी हाँ इसमें भी टच होने के वो दिख रहे हैं टाटा मोटर, तो फटाफट हम टाटा मोटर को देखते हैं टाटा मोटर में कौन सी लाइन है। तो टाटा मोटर में जो हमें लाइन दिखी, एक बार दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा इसे वैसे करके, तो टाटा मोटर में जो लाइन दिखी वो भी सेम S1 है। मैं फटाफट अलर्ट्स लगाता हूं, ये जैसे ही टच हो उससे पहले मैं अलर्ट्स लगाने की कोशिश करता हूं। मैं गया एंड मेरे को फटाफट पहले कोड कॉपी करना है, मैं कोड कॉपी करता हूं। अलर्ट्स कैसे लगाएंगे फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं करना, यहां जाना इंडिकेटर का नाम लेना, सिलेक्ट करना है S1, हमें आइडेंटिटी पता है ओनली वंस पता है, कोड डाल देना है, कोड डालने के बाद आपको जिस पे काम करते हो वो सिंबल डाल देना है। यहां बाय डिफॉल्ट ACC होता है, मैं इसे चेंज कर देता हूं, टाटा मोटर कर दिया, मार्केट रेट से ₹1 नीचे बिड लगाया, ये लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट बाई ऑर्डर भी लगा सकते हो, ये कंटिन्यू कर दिया। तो जैसे ही कंटिन्यू करा तो आप देख सकते हो अब 3 अलर्ट्स हो गई। हाँ मैंने जितनी स्क्रिप्ट में मतलब जिस पे भी पिवोट टच होगा वो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, ये है ऑटोमेशन का फायदा। मतलब मैं मैनुअल काम करता तो एक ही स्क्रिप्ट पे ध्यान देता, अब ये देखिए टाटा मोटर पे टच हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं, ये टाटा मोटर पे यहां पर टच हुआ एंड हम उस पे जाते हैं, यहां देखिए ऑर्डर लगा दिया,
ऑर्डर क्या लगाया आपको दिखा दूं, राइट प्राइस जो करंट प्राइस चल रहा है, एलटीपी प्राइस जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 130 रुपए 90 पैसे चल रहा है, और इनने 129 रुपए 90 पैसे पे बिड लगा दी क्योंकि मैंने 1 रुपए नीचे बोला था। ये फायदा है, मतलब मैंने क्या करा, मैं ऐसे मॉर्निंग के टाइम पे मैंने अपनी एक एनालाइज कर सकता हूं कि किस पे मुझे काम करना है। सारी जो भी आप अपनी लैंग्वेज में सिंबल स्क्रिप्ट कहते हैं, मैं उसे सिंबल कहता हूं, जो भी स्टॉक है मैं उनको एनालाइज करके उन पे अलर्ट्स लगा सकता हूं, जैसे वो टिगर होंगे मेरी बिड लग जाएगी, जहां मुझे बाय करना है बाय हो जाएगा, जहां मुझे सेल करना है सेल हो जाएगा, जहां मुझे क्लोज करनी है ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी, जहां मुझे कैंसिल ऑर्डर करने कैंसिल हो जाएंगे, वो सारी चीजें होंगी हमारी कहां से, वो होंगी इस कोड से। तो आई थिंक मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन करा है तो बिगनर भी समझ जाएगा पिवोट पॉइंट के बारे में, अगर वो जानता है तो बिगनर भी समझ जाएगा ये काम कैसे करता है। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है कि ऑटोमेशन ट्रेडिंग पिवट पॉइंट के साथ कैसे करते हैं, तो आपको टीम वीवर डाउनलोड करना है या एनी डेक्स डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा एंड मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो एंड कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सेटअप करके बता दूंगा। बाकी एक बार वीडियो को देखोगे आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे आप ये देखिए टाटा मोटर पे यहाँ हमारा टिगर हो गया एंड मार्केट में हो, मैंने ऑर्डर भी नहीं काटा, आई थिंक 1 रुपए नीचे आ भी गया होगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया होगा, नहीं सॉरी अभी नहीं हुआ, ये करंट प्राइस नहीं नहीं नीचे तो आ रहा है, एक मिनट मैंने चार्ट कौन सा खोल रखा है, टाटा मोटर अच्छा अभी ज्यादा नीचे नहीं आया, जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 130 रुपए चल रहा है। तो कहने का मतलब ये, अब मैं चाहता कि हाँ भाई इधर बाय हो एंड इधर मेरी ये स्टॉप लॉस है, तो मैं इसे नीचे वाली लाइन को स्टॉप लॉस भी बना सकता था, ये बात मैं आपको बताना भूल गया, किसी भी लाइन को आप स्टॉप लॉस बना सकते हो, किसी भी लाइन को आप टेक प्रॉफिट बना सकते हो, मैं ओनली फॉर लाइन काउंट कर रहा हूं, मैं नहीं जानता ये पिवोट पॉइंट है, मैं कह रहा हूं कि ये लाइन है, मैं इसे एज अ टिगर करना चाहता हूं, ठीक है जी। तो आप किसी भी लाइन को स्टॉप लॉस बना सकते हो, टेक प्रॉफिट बना सकते हो एंड क्लोज पोजीशन बना सकते हो, सेलिंग बना सकते हो, बाइंग बना सकते हो, मार्केट बाइंग बना सकते हो, मार्केट सेलिंग बना सकते हो, आप लिमिट ऑर्डर सेलिंग बना सकते हो, लिमिट ऑर्डर बाइंग बना सकते हो, जो आपका दिल करे वो बना सकते हो, प्रॉपर कस्टमाइजेबल बॉट है। एंड बॉट के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप इस चैनल की पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा बॉट कैसे वर्क करता है, नहीं तो आप ये हमारी वेबसाइट है nextlevelbot.com, यहाँ पर आप जाओगे तो ज़्यादा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ एंड जो भी मेरे को दिखाना था वो मैंने आपको लाइव दिखा दिया, एंड एक बार मैं फिर से जो मैंने पीछे अलर्ट्स लगाए थे उनको देख लेते हैं। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, जैसे एक बार टिगर हुआ उसके बाद यहां देखिए ऑरेंज लाइट हो गई, इट्स मीन कि अब ये बंद है, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब ये चालू होगा, ये रीस्टार्ट का ऑप्शन कह रहे हैं ना, इस बटन पे जैसे क्लिक करूंगा देन सॉरी इस बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा वैसे ये चालू होगा। तो मैं इसे एक बार दिखा देता, अच्छा मैंने जो यस बैंक में लगाया था, एक मिनट माइक गिर गया जिसके चार्ट बेकार हो गया, कोई नहीं, अब जैसे मैंने यस बैंक में बताया था हम यस बैंक में चलते हैं, यस बैंक में अभी तक टिगर नहीं हुआ, तो ये देखिए इसलिए टिगर नहीं हुआ, आप देख सकते हो अभी तक टच ही नहीं हुआ तो टिगर कैसे होगा। फिर हमने इस पे भी लगाया था NTPC, तो हम इस पे भी चलते हैं एंड इसमें देखेंगे तो ये तो नीचे वाला टिगर नहीं हुआ, ऊपर वाला टिगर हो गया, मतलब ऊपर की साइड निकल गया। तो मैं आपको इसमें भी एक लाइव अलर्ट लगा के दिखाऊं, नहीं मार्केट फिर से नीचे आ गई, मतलब जो कैंडल है वो नीचे बन गई। तो आई थिंक मैंने आपको एक दिखा दिया, आपको समझ आ गया होगा और वीडियो भी 20 मिनट के समथिंग बन गई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।